आप यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे ignu.ac.in, आपके ये पेज इग्नू का खुल जाता है, जिसको आप परिचित हैं, जहाँ पे आपने प्रवेश लिया था वो यही पेज था। और इस पेज को देखते हैं, इग्नू में ज्यादातर आपके सारे, ज्यादातर क्या 90% से ज्यादा काम ऑनलाइन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑनलाइन होता है। और इसी की वजह है कि इस पैंडमिक पीरियड में भी हम लोग काफी कुछ मैनेज करने में सफल रहे, और इग्नू के स्टूडेंट लेवल जो 35 लाख विद्यार्थियों का था वो बरकरार रहा, और बल्कि बढ़ा ही है। हमने आपको सहयोग देने में भी सफल रहे। इस वेबसाइट पे दो आइकॉन हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी पढ़ाई के लिए। एक रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके प्रेस एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, कम्युनिटी एग्जामिनेशन, री इवेलुएशन, एंट्रेंस एग्जाम, ये सारी चीजें दिख रही हैं। और इसमें जब आप खोलेंगे तो आपको अगले साल री रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहली जरूरत पड़ेगी। आपको मार्च अप्रैल के बाद री रजिस्ट्रेशन का लिंक खुलेगा, जुलाई 22 में आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। इसको क्लिक करके फॉर्म खुल जाएगा, आप वहाँ री रजिस्ट्रेशन का काम कर पाएंगे। और अप्रैल मई में आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन जो जून 22 का है, जब आप अपना फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, तो टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके भर पाएंगे। इसके लिए आपको इस आइकॉन को क्लिक करने की जरूरत होगी। ये दो आइकॉन यहाँ पे आने वाले समय में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, इनको दोनों को याद रखना। दूसरा हुआ कि स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट को जो सेवाएं मिलती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, और उनके बारे में हम दिखाते हैं। यहाँ तीन चार आइकन दिख रहे हैं, जिसमें से तीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट जोन, स्टूडेंट ग्रीवांसेज और डाउनलोड सेक्शन। स्टूडेंट जोन की बात करें तो यहाँ आपका पूरा डिटेल्स होता है कि कैसे आप, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कितना हुआ, कौन से पेपर्स हुए, आपके रजिस्टर हुए, आपके ग्रेड कार्ड क्या है, आपके कैसे आगे की इंफॉर्मेशन सबको मिल पाएगी, उनके बारे में बात होती है। तो मैं सबसे पहले आपको स्टूडेंट जोन खोल के दिखाता हूँ। और स्टूडेंट ग्रीवांसेज वो क्षेत्र है जहाँ आप घर बैठे आपको कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको, जैसे पैंडमिक पीरियड है, आप घर से निकल के कहीं जा नहीं सकते, और आपको कोई ग्रीवांस है, जैसे आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं चढ़े हैं, आपने परीक्षा फॉर्म भरा दिख नहीं रहा, आपको कोई और समस्या है, आप कोर्सेज में कमी बेसी हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई, ऐसे किसी भी जनरल प्रॉब्लम के लिए आईग्राम ग्रीवांस को खोल के रजिस्टर करके आप जब भी अपने ग्रीवांस को भर देते हैं, वो हमको तुरंत का तुरंत पहुंच जाता है, और 3 से 5 दिन के अंदर आपके आईग्राम ग्रीवांस को रिजॉल्व करके आपको, आप पोर्टल पे ही उसका उत्तर भी दे देते हैं कि आपकी समस्या का निदान कर दिया गया है या नहीं किया गया। तीसरा है डाउनलोड सेक्शन, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आपको किसी तरह के फॉर्मेट की जरूरत होगी, या आप जो असाइनमेंट क्वेश्चन लिखते हैं उनके आंसर लिख के जमा करते हैं, तो असाइनमेंट क्वेश्चन और पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से प्राप्त होते, तो आपके लिए डाउनलोड सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले आपको स्टूडेंट जोन में ले चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला काम है, सभी विद्यार्थी अपने घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करें। रजिस्ट्रेशन स्टेटस ये होता है कि आपका प्रवेश का डिटेल्स इस पे रहता है, और आप किस तरह से प्रवेश के दौर बाद आपने प्रवेश लेने के बाद आपको कौन सा मतलब डिटेल्स है, और कब आप एलिजिबल हैं, कैसे हैं, आप अपने ग्रेड शीट कैसे, ग्रेड कार्ड कैसे जांच पाएंगे, पेपर्स में असाइनमेंट नंबर चढ़े कि नहीं चढ़े, टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट कैसे देख पाएंगे, ये सारी सुविधाएं आपको इसी रजिस्ट्रेशन स्टेटस पेज पे दिया गया है। तो मैं सबसे पहले यही खोल रहा हूँ आपके लिए, और मैं एक विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन स्टेटस के आधार पर इसको आपको प्रदर्शन मतलब एक डेमो दूंगा, कि जिसके जरिए आप जान पाए कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस को कैसे अवेल करना है। ये देखें, आप उसको रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्लिक करने पे आपको एक एनरोलमेंट नंबर एंटर करने का ऑप्शन आता है, प्रोग्राम का आता है। तो आपके ही बीच से आलोक सिंह जी का इनरोलमेंट नंबर मेरे पास है, 2105,
190476 और ये यमिजी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, मास्टर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश। और आप वेरिफिकेशन कोड भरते हैं 17-20 और सबमिट कर देते हैं। तो जो पेज खुलता है इसमें कोई 205-190467 आलोक सिंह जी का पेज खुल गया है। जब आप भरेंगे इस नंबर को और वहाँ सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। देखिए आलोक सिंह ने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है और इनका एडमिशन वैलिड है जून 2025 तक। इनका एड्रेस, इनका सारा चीज़ यहाँ दिया गया है और ये इन्होंने इलाहाबाद के एडीसी पर इन्होंने एडमिशन लिया। मोबाइल नंबर 4 मेल आईडी। आपको आलोक जी 4 प्रोग्राम में आपका एडमिशन हुआ, 4 कोर्सेज में, जिसे हम कहते हैं पेपर, MEG 1, MEG 2, MEG 3, MEG 4। और इन चारों पेपर को आपको फर्स्ट ईयर के लिए देना है। चारों पेपर कंपलसरी हैं, कोई भी इलेक्टिव नहीं, कोई कोर्स चेंज आपको परमिटेड नहीं है। आप जब इन पेपर्स को देंगे फर्स्ट ईयर में तो जो इनके रिजल्ट्स अपडेट होंगे वो आपके ग्रेड कार्ड में होंगे। ग्रेड कार्ड पे आप क्लिक करके आप जान पाएंगे कि आपको कितने अंक मिल चुके हैं। आप सभी जान को मैं बताना चाहूँगा, इग्नू में जो परीक्षा प्रणाली है वो 2 स्तरीय है। एक तो आपके जो स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है एग्जाम के पहले, और उसको जमा करते ही आपको एग्जाम सेंटर द्वारा उसको इवेलुएट करके मार्क्स दिए जाते हैं। वो 100 अंकों में जांच किया जाता है और उसका 25 से 30%, 30% अमूमन आपके ग्रेड, फाइनल ग्रेड कार्ड में जाता है। तो असाइनमेंट जितना एक महत्वपूर्ण कार्य है उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम, जब भी कमेंट एग्जामिनेशन में आप अपियर होने जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देना होता है। तो आप अपने असाइनमेंट वर्क जो है मार्च 1 22 तक कंप्लीट कर लेंगे और जून के कमेंट एग्जामिनेशन में आपको अपियर होना है तो अपने स्टडी सेंटर पे मार्च 22 में ही 21 मार्च तक जाके जमा कर देंगे और उसके बाद ये परीक्षा फॉर्म भरेंगे। क्योंकि तो परीक्षा फॉर्म में ये कंपल्सरी होता है कि आप परीक्षा फॉर्म वहां पर जब आपके असाइनमेंट के जमा हो जाते हैं उसके बाद ही भर सकते हैं। असाइनमेंट का एक उद्देश्य होता है कि आप परीक्षा में जाने से पहले आपकी तैयारी का क्या लेवल है वो तय हो, पक्का हो जाए और उसके बाद आप असाइनमेंट में जो कमी बेसी रह जाती है आपकी तैयारी का उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को एक मूर्त रूप देते हैं। ये अकेला सिस्टम है जहाँ पे 2-वे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है और जहाँ पर हमारे विद्यार्थी जो है असाइनमेंट जमा करते हैं उसको इवेलुएट करके जो हमारा इवेलुएटर है स्टडी सेंटर का वो उस पर कमेंट लिखता है कि आपके असाइनमेंट में ये चीज़ अच्छी रह गई है, आपने लिखने में ये बढ़िया काम किया है, थोड़ा सा इसमें ये सुधार देते तो आपको और अच्छा अंक मिल जाता, या कुछ इलस्ट्रेशन और डाल देते, उदाहरण और डाल देते तो आपको अच्छे अंक और मिल जाते। तो आप फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके पास गुंजाइश होती है। जैसे आप कहते हैं ना फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है स्कूलों में, फॉर्मेटिव असेसमेंट वैसे ही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पे, इंटरेक्शन के तौर पे डील किया जाता है। तो ये कंपलसरी आइटम है। दूसरा होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन। टर्म एंड एग्जामिनेशन साल में 2 बार करते हैं, एक जून में एक दिसंबर में। जब भी आपका समय पूरा होता है, जैसे कि MEG प्रोग्राम 1 साल का प्रोग्राम है, तो 1 साल का समय पूरा होने के बाद आप इस प्रोग्राम को शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम के साथ और एग्जामिनेशन में आप 1 साल बाद ही होते हैं। जुलाई अगर 21 सत्र में हमने एडमिशन लिया है तो हम जून 22 के सत्र में एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसलिए जून 22 में परीक्षा फॉर्म भर देते हैं सभी लोग और उनको परीक्षा देते हैं। जब परीक्षा आप दे देते हैं तो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट यहाँ अपडेट हो जाते हैं। जैसे जून 19 से शुरू होता है तो
आप अपने सेशन को जब भी आप जून 22 में देंगे तो जून 22 टाइप करके आप वहां पे जाके देख के उनको कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल घर के पते पे भेजा जाता है, सभी विद्यार्थियों को भेजा जाता है, लेकिन आपका स्टडी मटेरियल अगर नहीं मिल रहा है तो उसका स्टेटस क्या है, आप स्टडी मटेरियल डिस्पैच हो गया या अभी डिस्पैच होना बाकी है, ये सारा डिटेल्स आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस के कॉलम में जाके मिलता है। जब आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो प्रवेश पत्र, जिसे इग्नू की भाषा में हॉल टिकट बोलते हैं, वो यहाँ अपलोड हो जाता है इस कॉलम में, और कोई भी विद्यार्थी जो परीक्षा फॉर्म भरने को परीक्षा आने के 10 दिन पहले यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके अपनी परीक्षा भी सबमिट, और जो असाइनमेंट हम बोल रहे हैं, आप जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे स्टडी सेंटर को इवेलुएट कर हमारे पास भेज देता है, हम उसके अंक को दिल्ली फॉरवर्ड करते हैं, तो जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो आपको स्टेटस यहाँ से दिखने लगेगा कि आपके असाइनमेंट के अवार्ड फॉरवर्ड कर दिए गए हैं और फॉर्म सबमिशन स्टेटस है। इस कॉलम के बाद आप इस डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ दो तीन चीजें दिख रही हैं, एक प्रीवियस ईयर टर्म एंड क्वेश्चन पेपर्स दिख रहे हैं, दूसरा टर्म एंड एग्जाम असाइनमेंट पेपर्स दिख रहे हैं, तीसरा कॉमन प्रॉस्पेक्टस दिख रहा है। तो सबसे पहला काम है कि आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लें, क्योंकि ऑनलाइन प्रवेश होने के बाद केवल ऑनलाइन ही कॉमन प्रॉस्पेक्टस प्रोवाइड किया जाता है, आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड होने के बाद हमेशा रहेगा। ये कॉमन प्रॉस्पेक्टस आपको एक गाइडेंस देता है कि आप अपने प्रोग्राम के बारे में कैसे कैसे, यूनिवर्सिटी का रूल्स पोजीशन क्या है और क्या सिस्टम है, आप लगातार उनकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा होता है टर्म एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसका एक डेमो दे देता हूँ। जैसे MEG का आपको असाइनमेंट मार्च 22 में जमा करना है, तो जुलाई 21 सत्र के लिए जो बच्चे हैं उनके पेपर्स कैसे देखे जाएं, कहाँ से वो मिलेंगे, वो मैं आपको एक डेमो दे देना चाहता हूँ। प्लीज खुलते ही मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक पेज पूरा खुल के आता है, और इस पेज में आपको तमाम प्रोग्राम दिख रहे हैं, जैसे MA इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एड और DE सोशियोलॉजी, ऐसे आप देखते जाएंगे तो आप MEG यहाँ पर पाते हैं, ये आपका प्रोग्राम हुआ। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये सामने देखिए, आपको जैसे क्लिक करते हैं आपके ये सारे पेपर्स के डिटेल्स खुल जाते हैं। MEG जुलाई 21 और जनवरी 22 सत्र के लिए ये असाइनमेंट वैलिड है, जो जिन विद्यार्थियों ने अभी इस सत्र में प्रवेश लिया वो यहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आपके चार पेपर है MEG 1, 2, 3, 4, तो आप इन चार पेपर की असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहला पेपर डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, ये आपके सामने असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड हो गए हैं। ब्रिटिश पोएट्री इस पहले पेपर का नाम है, और इसमें पोएट्री के विषय में आपको किए गए हैं, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि असाइनमेंट कैसे लिखेंगे। पहले पेज पे जो टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, डेट और स्टडी सेंटर, ये सारा चीज लिख लेंगे। और यहाँ से आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइन फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हैं। पहला पेपर यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए ये क्वेश्चंस हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक्सप्लेन द ट्विटर कंसर्न ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू देयर कंटेंट, 10+10, 10 10 नंबर के दो क्वेश्चन करने हैं। यहाँ देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से केवल दो करने हैं। इसी तरह से राइट ए क्रिटिकल नोट्स ऑन चांसर्स आर्ट्स ऑफ द पोएट्री इन द जनरल प्रोलॉग्स, ये सारे चीजें आपको इस निर्देशानुसार ही करने पड़ेंगे, और इसको करके आप इन असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। असाइनमेंट लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले पेज पे आप इंफॉर्मेशन रखेंगे, आपका नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर कोड और टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसके लिए अपियर होने जा रहे हैं, अपना पता, मोबाइल नंबर, अगर कोई दिक्कत हुई तो आपको मोबाइल से या पते पे संपर्क किया जा सके। तो ये पूरा डिटेल्स आप वहाँ पे रख देते हैं, और इनको रखने के बाद आप जो है
जमा कर देते हैं अपने स्टडी सेंटर पर। और ये बात भी बतानी है कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आप जो असाइनमेंट लिखते हैं अपने घर पे बैठ के लिखते हैं, और बुक इस लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, आपके अपने अनुभव भी उसमें शामिल हो, आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी का परीक्षण किया जाता है असाइनमेंट में, तो आपको वो सारी चीजें इसमें दिखनी चाहिए जिससे कि परीक्षक को कोई दिक्कत ना हो आपको इवेलुएट करने में। तो ये एक आपको हमने पेज दिखाया जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ दो चीजें और दिख रही हैं। एक तो आपको ई ज्ञान कोश दिख रहा है। ई ज्ञान कोश वो आइटम है जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पूरी पूरी रिपोजिटरी जो है उसके पास, एजुकेशनल रिपोजिटरी, तो उसे ओपन एक्सेस रिसोर्सेज में डाल दिया है। कोई भी विद्यार्थी केवल ई ज्ञान कोश प्लेटफॉर्म पे जाके अपने बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकता है। केवल इग्नू का विद्यार्थी नहीं, कोई बाहर का भी विद्यार्थी चाहे तो अब ये उसके लिए भी ओपन है, और ये काम कोई भी विद्यार्थी चाहे जिस संस्थान से पढ़ रहा हो वो कर सकता है, इग्नू की बुक आसानी से अवेल कर सकता है। पहले ये सुविधा नहीं थी, अभी ये सुविधा सबको दे दी गई है। तो हमें लगता है कि अगर किसी विद्यार्थी को स्टडी मटेरियल अभी तक एक भी कोर्स बाकी रह गया नहीं पहुंचा है, या काफी पहुंच गए एक आध कोर्स बाकी है, तो यहाँ से वो मटेरियल को डाउनलोड कर सकता है। तो ये आइकन को आप अवेल कर सकते हैं और इनके जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे आपको मटेरियल को एक्सेस करें। दूसरा है डाउनलोड सेक्शन, जिनके बारे में हमने आपको बताया ही, बहुत सी बातें अभी पहले भी बताई है हमने कि डाउनलोड सेक्शन को कैसे आप डील कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताई। एक तो ये आपका कॉमन प्रॉस्पेक्टस, असाइनमेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि आप आने वाले टर्म एग्जामिनेशन में कैसे तैयारी करें, कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें, इसके बारे में आप वहाँ पर देखते हैं और उनके बारे में आपको पता चल जाता है कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। ये बातें थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि आप देखें तो एक आरसी वाराणसी की भी वेबसाइट होती है, आरसी वाराणसी रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट है, और ये वेबसाइट भी आपको देखना चाहिए, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए आप ऊपर टाइप किया हमने rcvaranasi.igno.ac.in और ये पेज खुलता है। इस पेज पे तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। जो भी ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग हम MSG को कराएंगे उसका काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर अपलोड कर देंगे इस कॉलम में, और आप इस कॉलम को क्लिक करके काउंसलिंग शेड्यूल के साथ साथ काउंसलिंग का लिंक जो गूगल मीट की वीडियो होती है उसको यहाँ से लिंक करके आप अपने काउंसलिंग सेशंस में जा सकते हैं। हालांकि एकेडमिक काउंसलिंग आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन और डाउट्स है तो मेरी सजेशंस है कि आपको इसमें शामिल होना चाहिए। कुछ ना कुछ नया आप सीखते हैं, दूसरी बात आप अपने पीयर ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि वो कैसे आपके पढ़ाई का प्रबंधन करते हैं। तीसरा, एक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी लगातार पर डे के हिसाब से न्यूज और इवेंट सेक्शन में जो रिसेंट अपडेट्स होते हैं इग्नू के वो अपलोड कर देते हैं, तो आप यहीं से जाके उसको भी देख सकते हैं। अनाउंसमेंट सेक्शन, न्यूज और इवेंट सेक्शन, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जो हमने आपको वहाँ दिखाया आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से भी भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं, और कोई जो फॉर्मेट होता है इग्नू के, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट होते हैं सपोर्ट सर्विसेज के लिए, जैसे कि आपको स्टडी सेंटर चेंज करना है, रीजनल सेंटर चेंज करना है, रीवैल्यूएशन फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, या आपको कन्वोकेशन फॉर्म डाउनलोड करने हैं, तो आप इस कॉलम में जाके इन सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। इस पेज पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप देखें कि यहाँ पे जो स्टाफ है उनके नंबर भी हैं और उनके साथ संपर्क करने की आपको सारी सुविधाएं और सारी चीजें आप हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे अवेलेबल कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अगला चीज है कि
वो है कि आपका फेसबुक पेज, इग्नोर इग्नोर सेंटर वाराणसी ने अपने विद्यार्थियों के लिए फेसबुक पेज बना रखा है। ये फेसबुक पेज भी जो होता है, ये हमें हेल्प करता है आप तक इमीडिएट पहुंचने के लिए, क्योंकि फेसबुक पर जो सभी लोग हैं वो लोगों को भी पता होता है, इसलिए फेसबुक पेज के जरिए हम ये समझ सकते हैं। शायद किसी ने अनम्यूट किया है, वो म्यूट कर ले अपना माइक, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, तो अनम्यूट करो। और या मनोज जी, मैं कहूंगा कि अगर अनम्यूट नहीं हो पा रहा, मनोज जी देखिए इस चीज को। तो ये हम डेली का डेली शेड्यूल जो आता है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी रेडियो चैनल या ज्ञान दर्शन जो हमारा टीवी चैनल है, उस पर रोज के रोज जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं आपसे संबंधित, उनको हम यहाँ डाल देते हैं। और इग्नू की जो तमाम जानकारी होती है उनको हम अपलोड करते रहते हैं, डे वाइज अपलोड करते रहते हैं। जनकॉम की ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग कर रही है, उस पर डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, आप देखिए, और आपका भी ऐसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीधे अवेल कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती है सब चीजों में। तो मुझे लगता है कि इस फेसबुक पेज को देखने का आपको बहुत फायदा है, क्योंकि डे वाइज एक्टिविटीज और एकेडमिक काउंसलिंग शेड्यूल या फेसबुक पेज काउंसलिंग, जो भी कुछ यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स के जो भी डिटेल्स होते हैं, वो सारा हम रोज का रोज अपडेट करते हैं। तो ये आपके बड़े काम का पेज है, और यहाँ जाके आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं, इनको अवेल कर सकते हैं। और इस तरह से ये कुछ चीजें हुई जिनके बारे में आपको एक प्रदर्शन के द्वारा बता रहा था, और इन चीजों का उपयोग करके आप पढ़ाई के समय जुड़े रह सकते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे फोन नंबर हमारी वेबसाइट पे दिए गए हैं, आप हमारी वेबसाइट से उन फोन नंबर को लेके हमें फोन कर सकते हैं। और अगर आपको स्टडी सेंटर से कोई जानकारी चाहिए तो आप स्टडी सेंटर पे भी संपर्क कर सकते हैं, अभी खुला हुआ है। और स्टडी सेंटर जब बंद हो जाता है तो उनके फोन नंबर हम इस पे आरसी वेबसाइट पे डाल देते हैं, जिससे आपको उनसे संपर्क में कोई समस्या नहीं रहती है, और हम लोग जो है आपके अध्ययन को पूरा करने के लिए पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट सपोर्ट में कोई कमी ना रहे। तो इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं कंप्लीट करता हूँ, और हमारे साथ हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब जुड़ गए होंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आरडी साहब बैठे ना। अच्छा, अभी वो हमारे डायरेक्टर साहब व्यस्त हैं थोड़ा किसी कार्यक्रम में, तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि सेशन को ओपन करूँ, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और हम आपके प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर कर सकें, इस बात पे मेरा जोर रहेगा। तो मैं सेशन ओपन करता हूँ और सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि वो वन बाई वन जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं उनसे, वन बाई वन वो हमसे प्रश्न पूछने के लिए अपने उसको ऑन करें, अनम्यूट करें अपने आप को, और प्रश्नों को वो सीधा हमसे पूछें। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, वन बाय वन। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, मैं सीधे पहले वहां से क्वेश्चन ले लेता हूँ। सौरभ भारती भी अपना प्रश्न पूछे, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। तो असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च, हमने बताया ना, मार्च तक जब भी टर्मेंट एग्जामिनेशन होगा उसके 3 महीने पहले आपका असाइनमेंट जमा करना है, वही लास्ट डेट। ये एक तो मतलब, हेलो, सर जैसा कि आवाज मेरा नहीं। स्टडी सेंटर हाँ इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, तो तो मेरे मेरे को को असाइनमेंट वहीं असाइनमेंट सबमिट वहीं करना सबमिट करना पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल वहीं सबमिट। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, शिखा पांडे, शिखा पांडे इधर मन सुहा। जी सर, जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, पूछे आप। जी मुझे ये पूछना था कि मैं अभी PhD कर रहा हूँ, तो इग्नो से इंग्लिश में MA करने का कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना पीछे आगे जाके?
देखिए जो रूल पोजीशन है वो यही है यूजीसी की है, ऑन डेट से आप 2 डिग्री एक साथ निकलना चाहिए। तो अगर आपके पीएचडी का थोड़ा समय बाकी हो तो पहले पीएचडी पूरा कर लीजिए, उसके बाद इग्नू के इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए। आपके पास 2025 तक का टाइम है, आप 24-25 में भी 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ही साथ नहीं हो पाएगा ना सर? करना नहीं चाहिए, अब RDI का जमाना है, ओपन एक्सेस में सारी इंफॉर्मेशन है, कोई अगर कहीं कंप्लेन हुई तो यू विल बी फाउंड ऑन फॉल्ट। जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जया त्रिपाठी, जीत सिंह, कशिश जैन, कशिश इसीन, काव्या स्वरूप, महेंद्र जी यादव। सर, हाँ काव्या जी बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। सर मेरा सवाल था कि सर मैंने BHU में ही MA AISC में इसी साल एडमिशन लिया है, किसमें लिया है? और क्योंकि मैं MA एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में, हाँ और सर मैंने इग्नू से भी इंग्लिश में डाला है, और सर तो क्या दोनों साथ में अभी करें कि अभी क्विट देखिए कर दें, देखिए, एक अभी इग्नू हमने वाला अभी रोक आपको दें बताया, सर? एक आपके सेकंड, पहले सॉरी ही इस सर, प्रश्न को डील किया है एक सेकंड, और आपको भी वही कहना है मैडम। हाँ सॉरी सर, किसी का कॉल आ गया था, सॉरी सर। हाँ तो तो हाँ सर मैं बोलूँ, हाँ बताइए सर क्या। हाँ बोलिए आप। हाँ तो 2 डिग्री एक साथ करने की परमिशन अभी UGC ने नहीं दिया, चाहे ODL मार्क से हो, चाहे रेगुलर मार्क से, चाहे हाइब्रिड मार्क से हो। तो इसलिए हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए। हमें अपने लेवल पे कोई परेशानी नहीं है, आपने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि आप BHU से ये कर रही हैं, तो टेक्निकली हमें परेशानी नहीं है, लेकिन आपको परेशानी हो सकती है कि किसी कंप्लेन हो गया आप जॉब करते हुए कोई बात पे। तो ये एज ऑन डेट नहीं है परमिटेड, भविष्य में परमिट होने की संभावना है, क्योंकि UGC इस इशू को टेकअप कर रहा है कि 2 डिग्री की है। तो अभी तक एज ऑन डेट कोई नोटिफिकेशन हमारे पास है नहीं कि हम आपको बोल सकें कि आप कर सकते हैं। तो बस इतना ही समझिए कि आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। आप पहले MA आर्कियोलॉजी पूरा कर लीजिए, आपको 23-24-25 तक समय है, 24-25 में आप इसको भी पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आई आपको? सर अब आ हेलो, रही है, उस समय नहीं आ रही थी जब आपने हाँ कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद से। हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा समय लीजिए, अपना पहले आर्कियोलॉजी वाला कोर्स पूरा कर लीजिए, फिर इसको पूरा कीजिएगा। आपके पास 2025 तक का टाइम है। सर इसी मतलब अगर हम एग्जाम नहीं दें, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, तो हमारा यही जो एडमिशन फीस मैंने हाँ ये पे नहीं वैलिड की थी रहेगा उसी के बेसिस पे मैंने 2025, वो। 2025 तक जी आप सर, कितने भी बार एग्जाम दीजिए कितनी बार ना दीजिए ये आपके ऊपर है। आप 23-24-25 में एग्जाम देंगे तो आपको अतिरिक्त फीस नहीं देनी है एडमिशन की, ये रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा जी वहाँ पर। सर, ये है कि सेकेंड ईयर में आप एडमिशन समय से करा लीजिएगा, यानी कि जुलाई 22 सत्र में आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाना चाहिए। आप एग्जाम ना दें तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, आपका टाइम 2025 तक। अच्छा तो जैसे कि जुलाई में मुझे री एडमिशन कराना होगा सेकेंड ईयर के लिए। हाँ री एडमिशन नहीं, री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसे, आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। हाँ महेंद्र यादव जी, जी सर, महेंद्र यादव जी, सर मेरा एक और सवाल था सर, अभी आप मेरा रुक जाइए रीजनल मैडम, सेंटर। अब आप दूसरे को पूछने दीजिए। हाँ हाँ विशाल जी पूछिए, आप पूछिए। अच्छा हाँ, तो हमें लगता है कि पूजा बिंद, निशांत पांडे या हेलो हेलो। हेलो यार विशाल जी गुड तो आफ्टरनून, बोलिए। गुड
गुड आफ्टरनून सर, या मैं संपूर्ण आनंद राय, संपूर्ण कौन बोल रहे हो आप? आनंद राय बोल रहा हूँ मैं। हाँ राय साहब बोलिए, आपका नाम लर्न इंग्लिश विद विक्की लिखा है। हाँ सर, एक चैनल है वो दिखा रहा है मेरा। और हाँ मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं जूनियर हाई स्कूल में हूँ, तो उसके जी, बाद मैंने ये अप्लाई किया हुआ, फिर से मैंने एमए किया हुआ था, लेकिन मैंने फिर से अप्लाई किया हुआ है। तो हाँ मुझे अपने डिपार्टमेंट से कोई परमिशन वगैरह तो नहीं लेनी पड़ेगी इसके लिए? देखिए, जो कि डिस्टेंस मोड से है तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन अवश्य देनी चाहिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे डिपार्टमेंट को तो आपके कैरियर एडवांसमेंट में जोड़ने में मुश्किल आएगी। ठीक है, आप एक लेटर लिखिए, आप तो अपने विभाग को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप एमए इंग्लिश दोनों से ये फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपका एडमिशन हो गया है, बस इतनी सूचना देना जरूरी है। अगला प्रश्न, निशांत पांडे, नरेंद्र गिरधारी, हाँ सर जय हिंद, नंदिनी गिरधानी, गुड नंदिनी जी आफ्टरनून बोल सर। जी, सर मैं बोलिए। ये पूछ रही थी कि जो मटेरियल हार्ड कॉपीज है वो कहाँ से मिलेंगी पढ़ाई के लिए? मटेरियल आपको आपने फी एग्जम्पशन तो नहीं ऑप्ट किया था? 15% नहीं, मैंने एग्जाम्पशन नहीं, मैंने नहीं किया था उसमें तो आपके टिक किया स्टडी था, मटेरियल इनेबल किया था। आपके स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे जाएंगे, और स्टडी मटेरियल कब तक स्टेटस सर? आप अपने पेज पे जाके देख भी सकते हैं, वहाँ अपना एनरोलमेंट डाल के सबमिट करेंगे तो आपका मटेरियल चल चुका है, भेजा गया है कि अभी भेजा जाना है, सारा डिटेल्स वहाँ दिखेगा, आपको किसी से पूछने की ओके जरूरत सर, नहीं थैंक है। ठीक है, हाँ यू सर। गुड आफ्टरनून सर, हाँ एमनिया अमन जी बोलो। जी। सर मुझे बस ये पूछना था, मेरा ग्रेजुएशन में बीकॉम था, जी तो क्या अभी जैसे हम एमए इंग्लिश कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मतलब इज इट गुड? यही तो खूबसूरती है डिस्टेंस एजुकेशन की, यहाँ आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एनी ग्रेजुएट यस कैन डू सर, एनी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ आप लोग कर यस सकते। सर, ठीक है, यही तो खूबसूरती ओके है। ओके और जी। आपको पता ही है कि क्योंकि इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये यस इसकी सर, डिग्री जो है ड्यू परमिशन के साथ शुरू होती है और कोई भी यूनिवर्सिटी को मानना नहीं पड़ेगा। ओके थैंक यू सर। और सर इसके एग्जाम्स जुलाई में ही होंगे? जुलाई और दिसंबर दो जुलाई बार में? एग्जाम होते हैं, आप तो पहली बार ओके एग्जाम में ओके अपियर होने के लिए जुलाई में एलिजिबल हो जाएंगे, यस सर, उसके बाद हर यस 6 महीने बाद आप एग्जाम को अपियर कर सकते हो। हाँ एक चीज बताना है। थैंक यू, यस सर, हर वर्ष 10 लाख विद्यार्थी करीब प्रवेश लेते हैं, और उसमें से 7 लाख विद्यार्थी के आसपास करीब परीक्षा में अपियर होते हैं, और ये परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में से आज तक एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम फेल शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, हम अपने यहाँ पर फेल की जगह पे नॉट कंप्लीटेड लिखते हैं, और नॉट कंप्लीटेड एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ये दिखाता है कि आने वाले समय में आप फिर से कंप्लीट कर सकते हैं जो नहीं पूरा कर पाए। तो जब भी आप पेपर में पास नहीं हो पाएंगे तो आप अगली बार फिर से पेपर देने के आपको छूट होती है, और कितनी भी बार दे दीजिए जब तक आपका वैलिडिटी टाइम है। तो आप अगर ओके जून 22 में एग्जाम देते हैं, उसके बाद जो पेपर छूट जाते हैं या जिस पेपर में अपियर नहीं हो पाते हो वो दिसंबर 22 में दे सकते हैं, फिर उसको आप जून 23 में भी दे सकते हैं, दिसंबर 23 में भी दे सकते हैं, ऐसे जब तक आपकी वैलिडिटी, आप पेपर में अपियर हो सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। असाइनमेंट ओके एक सर, बार जमा थैंक करने यू का सो होता मच सर। है, असाइनमेंट एक बार मार्क्स चढ़ जाने के बाद उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं होती है, दोबारा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पेपर अगर आपने एक बार जैसे फॉर्म भरा जून 22 के लिए और आप पेपर नहीं अपियर हुए तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा दिसंबर 22 के लिए, जब भी आप अपियर होना चाहेंगे आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सर, गुड इवनिंग सर, आई गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।
बोलो। सर ये पूछना था मुझे कि सर जून जून 2021 में फॉर्म भरे थे हम, तो उस टाइम हम मतलब जॉब में नहीं थे, लेकिन अब मेरी मतलब जॉब लग गई है बिहार में गवर्नमेंट टीचर में, तो क्या मुझे ज्वाइनिंग के टाइम ही मतलब वहाँ इन्फॉर्म कर देना होगा कि मैं कोई डिग्री कर रही हूँ? ऐसा टोटल कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ सर, आपने हाँ जॉब लगने से पहले फॉर्म भर दिया है तो आपको ऐसा कोई जरूरत हाँ सर, नहीं है कि फॉर्म करें, लेकिन हाँ अगर आपका जो चाहती हैं तो आप इन्फॉर्म भी कर सकती हैं, कोई बुराई भी नहीं है इसमें। अगर आप इन्फॉर्म करती हैं अच्छा तो कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि आप अपने डिपार्टमेंट को हर चीज़ से अवगत करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें हो हाँ सकता है सर, आपके करियर एडवांसमेंट में उपयोग भी कर सकते हैं, आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो हाँ जी सर, सर ठीक, इन्हीं इन्हीं हाँ बातों के साथ मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा, और सर, कोई और प्रश्न हो तो हेलो पूछ सर, सकते हेलो हैं सर, आप। अच्छा सम शमिष्ठा को पूछने दीजिए, पहले शमिष्ठा पूछ ले, मैं सबके प्रश्न ले रहा हूँ। सर हाँ अब पूछ। आई हैव अ क्वेश्चन सर, दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमए फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी कैन इट बी एप्लीकेबल फॉर द पीएचडी डिग्री सर, कैन आई बी एबल टू अप्लाई फॉर द पीएचडी डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एमए फ्रॉम या यू? डेफिनेटली ऑल दोज व्हाट एवर इज गिविंग यू एलिजिबिलिटी और डूइंग विद रेगुलर कोर्सेज दैट ऑल दीज थिंग कैन बी फॉलो विद दिस कोर्स आल्सो। ओके, एंड द हेलो, एग्जामिनेशन सीरियल वुड बी वन अरे आवाज नहीं आ रही, सीरियल, राइट? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। दैट इज सर, अभी आ रही है सर, आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही। हाँ सर, एग्जामिनेशन का जो कैटेगरी आपने बताया कि साल में 2 बार होता है, एक जून में एक दिसंबर में, हम चाहें तो कोई भी स्केड्यूल में जाकर एग्जाम दे सकते हैं जून या दिसंबर में से, राइट? जी जी बिल्कुल, हमने बोला ओके यही बात ओके सर, बोली थैंक यू, थी। हाँ ये आप कर सकते हैं, हेलो और अभी आपकी जो पेपर छूट जाते हैं वो आगे जाके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी आपके पास पूरी सुविधा होती ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून गुड सर, आफ्टरनून सर। हाँ कौन बोल रहा है? सर रश्मि है। हाँ रश्मि जी बोलिए। सर मेरा मतलब ग्रेजुएशन BHU से था और इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, और अभी मैंने BEd करने के बाद MA इंग्लिश करने का सोचा। तो जी सर मतलब जैसे मैंने स्टडी मटेरियल रिसीव किया ब्रिटिश पोएट्री एंड ऑल, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग को उतने अच्छे से नहीं समझ आ रही है क्योंकि ग्रेजुएशन में नहीं था इंग्लिश। तो सर हम लोग को कहीं से कोई हेल्प मिल सकती है, असाइनमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे? अब मैंने दो बातें आपको बताई, आपका प्रश्न बहुत वैलिड है रश्मि जी। मैंने दो यस बातें आपको बताई इसके पहले कि आप अपने अध्ययन केंद्र जिस पे भी आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ अच्छा आपके विषय सर, के एकेडमिक काउंसलर्स हैं, ठीक है। वो आपको काउंसलर कर सकते हैं, आपकी कोई इशू प्रॉब्लम्स है एकेडमिक तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि असाइनमेंट कैसे लिखें, क्या करना है और कैसे तैयार करें, क्या हमारी वो थी। वैसे आप अपना ब्रिटिश पोएट्री पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट कैसे लिखना है, इग्नू का सर मटेरियल। एक्चुअली मेरा जो रीजनल सेंटर है ये BHU कैंपस कामाख्या वाला है, यहाँ मैं गई थी पूछने, तो अच्छा उन्होंने बताया कि अभी तो कोविड के वजह से क्लासेस नहीं हो रही है, नहीं तो टीचर्स जो होते हैं ऑनलाइन क्लासेस आपके लेंगे इंडक्शन के बाद। तो मैं ये बताऊंगा, मीटिंग कर रहे हैं, अभी मैं यही बताऊंगा तुमको कि आप जो है और सारी क्लासेस जो है अभी कोविड की वजह से ऑनलाइन हो रही हैं। हमने आपको दिखाया कि काउंसलिंग शेड्यूल में कहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन को हम अपलोड कर देते हैं, आप वहीं की हाँ जगह सर, चले जाएंगे अपने पे। आप पहले पढ़ाई तो शुरू कीजिए अपनी, और जो कंफ्यूजन ओके, और डाउट्स आते हैं उनको लिखते जाइए कि काउंसलिंग क्लासेज में कभी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको जो यस सर, समस्याएं होंगी उनके निदान आपको आपके काउंसलर बताएंगे। इग्नू में कोई पढ़ाई नहीं होती कि आपको क्लास चलेगी और आप उसमें जाके बैठेंगे और आपका कोर्स पूरा कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको एकेडमिक सपोर्ट होती काउंसलिंग सेशंस, तो ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन चलेगी तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे कोई काउंसलर आपसे आप गूगल मीट पे बात करेगा और आपको वो आपके कंफ्यूजन और डाउट क्लियर करेंगे। कब करेंगे? जब आप पढ़ के जाएंगे, जब पढ़ हेलो, नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, यस ठीक है। ओके, हेलो यस हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, हाँ जी गुड बोलिए। आफ्टरनून हाँ सर,
हेलो, अंतिम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। प्रश्न ले रहा हूँ अंजलि, और इसके बाद हम मीटिंग। हाँ यस मुझे सर, मुझे सर, आपसे आई ये हैव अ पूछना, क्वेश्चन। अब मुझे ये पूछना था कि मेरा बीएड, मैंने बीएड में एडमिशन ले रखा है और मेरा एमए इंग्लिश से मैंने एडमिशन कराया हुआ है, बलिया से, तो मतलब इग्नू से। तो सर मुझे ये पूछना था कि अगर मैं बीएड का पेपर दे रही हूँ और फिर एमए का पेपर दे रही हूँ, तो दोनों मतलब अभी किसी ने पूछा कि वो एमए कर रही है वहां से, फिर एमए उन्होंने वही मतलब वही रेगुलर आप भी पे भी लिया है और लागू इग्नू होता से है, भी, कि आप वही आप पे भी लागू होता है, आप बीएड करने के बाद एमए का पेपर दीजिएगा। हेलो सर हेलो सर सर, जब गुड मैं, आफ्टरनून जब सर सर, आप रितु बोल रही हूँ दोनों सर, रितु तिवारी दोनों बोल रही हूँ सर, दूसरे दोस्त दीपक हेलो ले आई सर। गुड हेलो आफ्टरनून सर, हम लोग भी चांस हाँ दीजिए, कुछ पूछना है। हाँ सुनील जी पूछिए, आप गुड आफ्टरनून सर, पूछिए। हेलो, गुड आफ्टरनून हाँ हम सुन रहे हैं सुनील जी, आप पूछिए प्रश्न सर। पूछिए। सर तो ये बोल रहे हैं कि असाइनमेंट कब तक जमा करना है कॉलेज में, अभी ये रिसर्च बता रहे हैं सेंटर कि आप 3 महीने पहले, जब भी आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा उसके 3 महीने पहले जमा करना। जून 22 सर। में टर्म अच्छा, एग्जामिनेशन है, अगर हम तो आपको दिसंबर जमा में, करना मतलब आप तो। और सर एग्जामिनेशन कब होगा जून सर? मेरा सेशन 22 जून में खत्म होने वाली है 21 सर। है। हाँ, आपका जो भी सर सेशन है मुझे ये पूछना था वो कि असाइनमेंट का क्वेश्चन कैसे मिल पाएगा। एक मिनट भाई, अभी दिखाओ मैडम, अभी इग्नू के पेज पे मैंने वही चीज तो दिखाया आपको, सारा कुछ जमो सर, कर जैसे दिखाया हम है एग्जाम आप। दिसंबर टाइम अगर देते हैं तो हमें फिर आ, 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 कब असाइनमेंट कब जमा करना होगा? अगर हमें दिसंबर में एग्जाम देना है तो हमें कब असाइनमेंट जमा करना तो नहीं दे होगा? पाएंगे ना, आप एलिजिबल नहीं है दिसंबर में देने को। नहीं सर, ये दिसंबर बात में देखिए ये सर, जुलाई पनिशमेंट का नहीं दे पा रहे, मेरा कंपटीशन का एग्जाम क्योंकि क्लैश करेगा, तो मैं दिसंबर में देना चाहती अच्छा। हूँ। हाँ तब ये उपासना का ये प्रश्न बहुत वैलिड है कि देखो अगर ये दिसंबर जुलाई में जून के एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं जून 22 के, तो ये दिसंबर 22 में अपियर होना चाहती हैं। जी दिसंबर सर, बाईस में जो विद्यार्थी अपियर होने जा रहे थे बिल्कुल उनको छूट होती। मैंने बताया कि आप आगे फर्स्ट ईयर के पेपर्स को आप आगे भी समय में ले जाके कंप्लीट कर सकते हैं मिनिमम टाइम के बाद। तो आपको मुझे असाइनमेंट एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। दिसंबर 22 में जब आपको एग्जाम देना, तो उसके 3 महीने पहले आपको असाइनमेंट जमा करना है। आप बताओ कब जमा करना होगा। ओके सर, हमने थैंक एक यू। फार्मूला बता दिया आपको कि जिस भी एग्जाम में आप जाएंगे उसके 3 महीने पहले असाइनमेंट तीन लेके जमा होना। सर महीने पहले एग्जामिनेशन फी ओके फिल सर, करना पड़ेगा ठीक है, दिसंबर दिसंबर थैंक यू सर। ये हम लोग की चॉइस होगी ना कि हम लोग मतलब जुलाई वाले में देना चाहते हैं या दिसंबर वाले में देना चाहते ये हैं। फ्रीडम आपके पास है। ओके सर। सर बुक मेरी सर अभी गुड आफ्टरनून सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि बुक कब तक आएगी? सर गुड हमने आफ्टरनून आपको अपने SLM स्टेटस को चेक करने का एक लिंक बताया था आपने, सर लिंक उसको जून चेक किया सर, उसपे शून्य शून्य दिखा रहा है, 0 0 दिखा रहा है सर डिलीवरी, तो कैसे चेक करेंगे? इसका मतलब अभी नहीं भेजी गई मैडम, आपको भेजी जा रही है, वो तैयारी चल रही है। जैसे आपको वहां से डिस्पैच होगा उसके स्टेटस दिखाने लगेगा, ठीक है। सर मुझे बुक मिले हैं। हेलो हेलो सर, सर, मैं ये कह रही थी कि मुझे 3 किताबें मिली है जिसमें ब्रिटिश पोएट्री 4 है और ब्रिटिश ड्रामा 2 है, जिसमें वो ब्लॉक 1 और 5 मिला है। ये सब आप अपने स्टडी सेंटर पे जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे। हमारी समय सर सीमा एक यहीं क्वेश्चन समाप्त है हो रही, हमारी अगली मीटिंग इसी के बाद है, तो मैं यहीं से इस मीटिंग को क्लोज करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने पेशेंटली सुने, सर, थैंक यू और मुझे सर। बड़ी खुशी हुई कि हम आपके ग्रीवांसेस को, आपकी क्वेरीज का आंसर देने में सफल हो पाए। आप सभी को बहुत थैंक बहुत यू सर, मुबारकबाद, थैंक नए वर्ष की यू बहुत बहुत सो मच शुभकामनाएं, और हम ऐसे फिर कभी किसी मीटिंग में आपसे मिलते रहेंगे। जी बहुत बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू।